हेलो दोस्त, फिटर फाइटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, अभी तक जो मैं आपको बता रहा था, अभी तक मैंने कटिंग टूल के सारे वीडियो डाले हैं। अब मैं आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है मेटल। तो आज मैं मेटल के बारे में आपको सारा कुछ बताऊंगा और इसको क्रमानुसार मैं जारी रखूंगा। तो दोस्त, हमारे साथ बने रहिए। हम आज स्टार्ट करते हैं मेटल से, जो हमारा चैप्टर थ्योरी का रहता है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये मेटल क्या होता है। हमें तो इस पहले समझना है, ये मेटल जो होता है, इसमें हमें मेटल की डेफिनेशन बतानी है कि मेटल क्या होता है। यानी कि मेटल को जब हम हिंदी में कहते हैं, तो दोस्त मेटल को हम हिंदी में धातु के नाम से जानते हैं, जो धातु होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि धातु क्या होता है या मेटल क्या होता है। तो इसका जो हम एक एक पॉइंट करके आपको बताते हैं कि मेटल क्या होता है, धातु क्या होता है, धातु का हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे करते हैं, और हम कैसे पहचानेंगे कि ये धातु है। तो दोस्त, आज के हम सेशन में आपको ये बताएंगे कि मेटल क्या होता है और हम कैसे उसको समझ पाएंगे कि ये जो हम हाथ में लिए हुए हैं, ये मेटल है। तो इसमें हम एक नंबर, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट में हम आपको बताएंगे, जो फर्स्ट नंबर पॉइंट है, कि इस फर्स्ट नंबर पॉइंट में कि धातु को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इसमें लिखा है, वह पदार्थ जो भौतिक गुणों का पालन करता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है, तो इसमें दो तीन पॉइंट हमें समझना पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट समझना पड़ेगा पदार्थ, कि ये पदार्थ क्या होता है। जैसे ये फर्स्ट नंबर पे लिखा है कि ये पदार्थ क्या होता है। तो दोस्त, जो पदार्थ होता है, पदार्थ को हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं, MATTER, मैटर कहा जाता है। पदार्थ को हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो जो दोस्त, जो मैटर रहता है, तो मैटर के बारे में मैं जो नेक्स्ट कल का वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसके बारे में मैं अधिक बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि पदार्थ वह होता है जिसमें कुछ भार हो और उसके अंदर ग्रेविटी हो, स्थान घेरता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो जो हमारी जितनी भी संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, सब पदार्थ से मिलकर बनी हुई हैं। जो भी हमारे संसार में जो कुछ भी है, सब क्या मिलके बना है, सब पदार्थ से मिलके बना है। और पदार्थ जो होता है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। जो पदार्थ की हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं, वो आप सबको मालूम है। एक अवस्था होती है ठोस अवस्था, एक अवस्था होती है द्रव अवस्था, और एक अवस्था होती है गैस अवस्था। तो दोस्त, जो हमारा पदार्थ होता है, ये पदार्थ हमारी तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। लेकिन इधर पे हमें पदार्थ के बारे में नहीं पढ़ना है, इधर हमें पढ़ना है धातु के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा धातु रहता है, ये धातु होता है हमारा मेटल होता है, या धातु होता है हमारा, धातु वह पदार्थ है जो भौतिक गुणों का पालन करता है। तो दोस्त, इसमें एक पॉइंट आया है इधर पर, भौतिक गुण। हमें एक एक पॉइंट के बारे में इधर समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमने पदार्थ के बारे में समझा, इसके बाद हमने समझा कि ये भौतिक गुण क्या होते हैं। दोस्त, तो भौतिक गुण जो होते हैं, जो गुण धातु के अंदर या किसी पदार्थ के अंदर निश्चित रूप में पाए जाते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, या वो परमानेंट रूप से हमारे पदार्थ के अंदर निहित होते हैं। तो जैसे मान लीजिए, हमें कोई पदार्थ मिला, हमें ये पदार्थ मिल गया, कोई हम हाथ में कोई एक पदार्थ लिए हुए हैं। मान लीजिए ये हमें एक टुकड़ा है, ये टुकड़ा हम हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन हमें इसकी पहचान करना है कि ये हमारा जो हाथ में ये टुकड़ा है, ये मैं निशान इसको, ये मान लीजिए ये जो हमने ब्लू कलर का बनाया, ये हमारे हाथ में है, तो ये क्या है? ये पदार्थ तो है, लेकिन पदार्थ में ये धातु है, अधातु है, क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि धातु के अंदर भौतिक गुण उपस्थित होते हैं। जो हमारी धातु होती है, उसके अंदर भौतिक गुण उपस्थित होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई पदार्थ है और वह पदार्थ जो है वो हमारे भौतिक गुणों को फॉलो कर रहा है, तो हम उसको बेहिचक ये कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो है, वह पदार्थ अधातु नहीं है, वह पदार्थ हमारा पदार्थ है धातु। जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, तो हम कैसे समझेंगे? लकड़ी का टुकड़ा है, पदार्थ तो है, लेकिन हम उसको कैसे बोलेंगे कि धातु है कि अधातु है? तो हमें जानकारी है, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि भाई ये अधातु है, धातु नहीं है, क्योंकि हम लकड़ी के टुकड़े में समझ जाते हैं कि इसमें चमक भी नहीं है, इसको घिस भी नहीं हम सकते हैं, और धातु के अनुसार इस प्रकार से भार भी इसका अधिक नहीं होता है, इस विद्युत का चालक नहीं होता है। तो दोस्त, जो हम ये कह सकते हैं कि भौतिक गुण वह गुण होता है जो किसी पदार्थ के अंदर प्रकृति रूप से, स्पष्ट रूप से प्रकृति से मिलता है, उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। भौतिक गुण होता है जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, इस भौतिक गुण को हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जो ये भौतिक गुण होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, अर्थात इसको हम परिवर्तित नहीं करते हैं, स्थायी रूप से धातु के अंदर पाया जाता है। तो दोस्त, हमने दो क्वेश्चन इधर पर आपको बताए हैं
कि धातु एक ऐसा पदार्थ होता है जो भौतिक गुणों का पालन करता है। तो भौतिक गुण दोस्त आप समझ गए होंगे कि भौतिक गुण वह गुण होते हैं जो किसी पदार्थ के अंदर परमानेंट रूप से स्थायी रूप से पाए जाते हैं, उनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब हमें एक एक करके भौतिक गुण को थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ज़्यादा इसके डिटेल्स और रंग और चुंबकीयता और गलनीयता का ज़्यादा डिटेल्स मैं कल के वीडियो में बताऊँगा, आज मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर जो भौतिक गुण दिया है वो रंग दिया है, ये रंग दिया है सबसे पहले नंबर पे दिया है रंग। तो दोस्त जो हर धातु का रंग होता है वो रंग इस निश्चित रहता है, उस रंग को हम परमानेंट रूप से नहीं बदल सकते। हम पेंट पोत कर तो बदल सकते हैं, लेकिन पेंट जो होता है कुछ समय बाद निकल जाता है, तो जो स्थायी रंग होता है धातु का स्थायी रंग होता है। जैसे हम समझ जाते हैं कि जैसे मान लो एल्युमिनियम का रंग जो होता है वो एकदम वाइट कलर होता है, चांदी का रंग से एकदम डार्क सफ़ेद होता है, सोने का रंग पीला होता है, लोहे का रंग माइल्ड स्टील जो होता है MS होता है, जो MS होता है इसका रंग ब्लैक होता है, ब्लैक होता है MS का रंग, और गोल्ड जो होता है गोल्ड का रंग पीला होता है, अच्छा पीला एकदम पीला रंग रहता है गोल्ड का। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन हो गया वो हो गया कि भौतिक गुण में सबसे पहले आता है रंग। तो सबसे पहले पॉइंट पर हमें ध्यान रखना कि सबसे पहला जो धातु का गुण होता है वो रंग होता है। हम रंग के अनुसार धातु की पहचान कर सकते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि अलग अलग रंगों में अवेलेबल है तो वो धातु ही हो सकता है, मेटल ही हो सकता है, भले वो कोई भी मेटल हो। हम ये नहीं कहेंगे कि वो है माइल्ड स्टील है या एल्यूमिनियम है या गोल्ड है या चांदी है या हम इसको जिंक या कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर धातु का रंग क्या होता है, हर धातु का रंग अलग अलग होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसका आकार जो रहता है, ये आकार, ये डिजाइन रहता है, स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम धातु को तोड़ेंगे तो बीच में उसमें ग्रेन्स दिखाई देंगे, ग्रेन्स रहते हैं। तो ग्रेन्स जो होता है स्टील का जो ग्रेन्स होता है वो ग्रेनुलर होता है, कास्ट आयरन का क्रिस्टलाइन रहता है और रॉट आयरन का फाइब्रस होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, एक आकार रहता है, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके बाद इसमें जो थर्ड नंबर पर दिया है ये चालकता होती है। चालकता जो होती है ये कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी दो प्रकार की होती है, एक होती है हीट कंडक्टिविटी दोस्त, हीट जिसके अंदर हीट जाता है उसे हम हीट कंडक्टिविटी कहते हैं, और जिसके अंदर करंट जाता है उसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। ये दोनों अलग ही अलग अलग टाइप की कंडक्टिविटी होती हैं। जिसमें हीट जाता है वो हमारा कॉपर सबसे अधिक होता है, जिसमें हीट सबसे जल्दी जाता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसमें जाती है वो चांदी होता है, उसका AG फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि चालकता जो होती है वो धातुओं में होती है। यदि किसी पदार्थ के अंदर हमारा हीट जा रहा है तो हम बेहिचक बोल सकते हैं कि वो धातु है, और वो पदार्थ जो होगा वो धातु ही होगा 100%, भले वो कौन सी धातु हो। इसके बाद चुंबकीयता आ जाता है। चुंबकीयता होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो हमारा जो चुंबकीयता रहता है वो सभी धातुओं में नहीं रहता है, लेकिन जो फेरस मेटल होते हैं, जो फेरस मेटल होते हैं उसमें चुंबकीयता का गुण होता है। तो चुंबकीयता यदि किसी के अंदर है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये मेटल है, लेकिन कौन सा मेटल है वो फेरस मेटल कहलाएगा, तो उसे हम चुंबकीयता कहते हैं। इसका गलनीयता होता है। गलनीयता क्या कहलाता है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो वह धातु पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाती है, तो उसे हम गलनीयता कहते हैं। जैसे ये अधातुओं में बहुत ही कम होता है, धातुओं में गलनीयता का प्रॉपर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यदि हम उसको किसी बर्तन में रखकर उसको हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड अवस्था में आ जाता है, ठोस अवस्था से, तो हम कह सकते हैं कि ये धातु होता है। इसके बाद एक भार होता है। हर धातु में जो भार होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अधातु होता है, अधातु की अपेक्षा धातु में भार अधिक होता है। जैसे लकड़ी और लोहे को देख लिए तो लोहे का भार अधिक होता है और लकड़ी का भार कम होता है। तो सबसे अधिक भारी जो धातु होती है वो हमारी लेड होती है, उसे हम लेड के नाम से जानते हैं। जो लेड PV होता है सबसे अधिक भारी धातु रहता है, लेड होता है। इसके बाद चमक रहता है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक आती है, जैसे हम धातुओं को अगर घिस के चमकाते हैं तो चमकने लगता है, जबकि ये गुण जो है अधातुओं में बहुत कम रहता है, जैसे गिट्टी पत्थर कंकड़ लकड़ी, इसमें हम पेंट कर सकते हैं, पेंट करके चमका सकते हैं, लेकिन वैसे इसमें चमक नहीं आ सकती जितनी चमक की धातुओं में होती है। तो इस तरीके से दोस्त ये हमारे भौतिक गुण हुए रंग, आकार, चालकता, चुंबकीयता, गलनीयता, भार और चमक। तो यदि ये प्रॉपर्टी किसी पदार्थ के अंदर अवेलेबल है तो उस पदार्थ को हम धातु कह सकते हैं 100%, उस पदार्थ को हम अधातु नहीं कहेंगे। जो हमारा पदार्थ होता है ये पदार्थ हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है, और पदार्थ हमें ठोस भी मिल सकता है, द्रव भी मिल सकता है, गैस भी मिल सकता है। तो जो हमारा जो पदार्थ होता है यदि वो ठोस अवस्था में है,
दोस्त एक एक पॉइंट इसमें छूट गया है ठोस, तो इसमें हम चमक के आगे एक ठोस भी बढ़ा सकते हैं कि ठोस अवस्था में धातुएं ज़्यादातर हमारी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। हमारा एक धातु जो होता है लेड होता है, लेड हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसलिए आप याद कर सकते हो कि जो लेड होता है, लेड जो हमारा रहता है वो द्रव अवस्था में होता है, तो ये अपवाद स्वरूप होता है लेड द्रव अवस्था में। वैसे ज़्यादातर जो हमारी 100% धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो यदि ये सारे भौतिक गुण हमारे किसी धातु किसी पदार्थ के अंदर मिल जाते हैं तो उस पदार्थ को हम धातु कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया है, आपका क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी क्लियर ना हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हमें ये भौतिक गुण समझ में नहीं आया है, आप और हमें डिटेल्स में बताइए तो मैं और आपको बता दूंगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है वो पदार्थ जो यांत्रिक गुणों का पालन करते हैं। तो दोस्त मैंने सबसे पहले बताया भौतिक गुण, तो भौतिक गुण के आपको ये सारे नाम आना चाहिए। और भौतिक गुण को पहचानने का मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, वह गुण जो किसी पदार्थ के अंदर परमानेंट रूप से स्थायी रूप से पाए जाते हैं उसे हम भौतिक गुण कहते हैं। इसके बाद होते हैं यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण दोस्त वो होते हैं इसे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। यांत्रिक गुण ऐसे अवेलेबल नहीं रहते हैं, हमें उसमें कोई यांत्रिक कार्य क्रिया करनी पड़ती है। तो यांत्रिक कार्य क्रिया करने के बाद हमें वो मालूम पड़ते हैं कि भाई इसमें ये यांत्रिक गुण है, हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। ऐसे हमें रंग की तरह वो दिखाई नहीं देते हैं, तो यांत्रिक गुण की परिभाषा हो जाती है कि हमें इसमें कोई ना कोई मैकेनिकल काम करना पड़ेगा, हमें ऐसे आंखों से दिखाई नहीं देगा, हमें उसमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तभी वो यांत्रिक प्रॉपर्टी होगा। तो दोस्त हम समझ सकते हैं, जैसे कभी ऑप्शन में आ जाता है, जैसे मैं अभी पिछली स्लाइड में इसके आगे बढ़ूंगा तो इस प्रकार से हम छांटने के लिए आपको क्वेश्चन देंगे कि कौन सा यांत्रिक गुण है और कौन सा भौतिक गुण है। तो आप जिसको देखकर पहचान सकते हो भौतिक गुण होता है और वो भौतिक गुण अवेलेबल रहता है पहले से, और यांत्रिक गुण वो होता है जब हम उसमें कोई कार्य क्रिया कहते हैं तो वो यांत्रिक गुण होता है। तो इस तरीके से हम भौतिक गुण यांत्रिक गुण समझ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला यांत्रिक गुण होता है वो होता है इलास्टिसिटी। ये सबसे पहले नंबर पे दिया है, वो इलास्टिसिटी दिया है। तो दोस्तों इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी ये होता है कि किसी धातु पर यदि बल लगाया जाए तो बल लगाने पर वो दब जाता है, लेकिन जब उसे हम बल हटा देते हैं तो दोबारा अपनी पहली अवस्था में आ जाता है, तो उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी जैसे स्प्रिंग में होता है, जैसे पेन में अंदर जो स्प्रिंग लगी होती है तो उस चटकनी को हम दबाते हैं तो दब जाता है, और जब दोबारा से उसको दबाते हैं तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी का जो गुण होता है सबसे अधिक स्प्रिंग स्टील में होता है। दोस्त इलास्टिसिटी का जो सबसे अच्छा गुण होता है उसे हम स्प्रिंग स्टील कहते हैं, उसका नाम होता है S, इसे बोलते हैं स्प्रिंग स्टील। तो ये दोस्त आप याद रखेंगे कि स्प्रिंग स्टील में इलास्टिसिटी सबसे अधिक होती है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग स्प्रिंग बनाने में किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर होता है प्लास्टिसिटी। ये थोड़ा मिलते जुलते रहते हैं थोड़ा, लेकिन ध्यान रखना है। तो प्लास्टिसिटी को आप समझ जाओगे कि प्लास्टिसिटी वो होता है जिसको दबाव लगाया जाए तो दब जाता है, और जब दबाव हटाया जाता है तो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है, उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे मिट्टी को हम बर्तन के रूप में जब बनाते हैं तो मिट्टी को दबाया जाता है, और मिट्टी को दबाते हैं तो हमारा बर्तन बन के तैयार हो जाता है, तो उसमें मिट्टी के अंदर कौन सा गुण होता है, प्लास्टिसिटी होता है। लेकिन ये धात्विक प्रॉपर्टी दोष नहीं हुई, क्योंकि जो मिट्टी होता है वो धातु नहीं है। तो हमें प्लास्टिसिटी बताना पड़ेगा कि जब हम किसी लोहे को लाल गर्म करके, मान लीजिए ये लोहा है, इस लोहे की नुक्की को हमें चीजल की नोक को ये पीट के पतला करना है, हमें चिप इसके ऊपर फोर्जिंग करना है, तो इस पॉइंट को हम लाल गर्म करते हैं, और लाल गर्म करने के बाद इसको हम निहाई पर रख के पिटाई करते हैं। तो दोस्त जो इस पॉइंट को गर्म किया जाता है, इस पॉइंट को गर्म किया जाता है, तो इस पॉइंट को किस अवस्था तक गर्म किया जाता है, इस पॉइंट को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है, ताकि इसको निहाई के ऊपर रखकर जब हम इस पर चोट मारते हैं तो ये फैल जाता है और पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है, तो इसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका उपयोग फोर्जिंग शॉप में किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि प्लास्टिसिटी का कहाँ उपयोग है, धातु की फोर्जिंग करने में प्लास्टिसिटी का उपयोग होता है। इसका तीसरे नंबर पे है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी होता है कि जब किसी धातु को खींचा जाए, गर्म करके खींचा जाए, तो उसके पतले पतले तार बन जाते हैं, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। तो तार बनाने में डक्टिलिटी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्त एक बात जरूर ध्यान में आ रही होगी कि हमने तीन क्वेश्चन आपको बता दिए, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और डक्टिलिटी। इसमें हम कोई ना कोई कारनामा कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो जिसमें हम कोई काम करते हैं उसे मैकेनिकल गुण के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद आ जाता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है कि किसी मेटल के ऊपर या किसी पदार्थ के ऊपर, हम इधर पर मेटल ना बोल के पदार्थ कहते हैं, जब किसी पदार्थ के ऊपर हम चोट लगाते हैं तो वह पतली पतली चद्दर के रूप में फैल जाता है, उसे मेलेबिलिटी कहते हैं। यदि वो चद्दर के रूप में फैल रहा बिना फटे तो उस पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं, उस पदार्थ को हम मेटल कह सकते हैं।
इसलिए मेटल कह सकते हैं क्योंकि वो यांत्रिक गुणों का पालन कर रहा है। वो यांत्रिक गुणों का पालन कौन करता है दोस्त? यांत्रिक गुणों का पालन हमारी धातु करती है, अधातु नहीं करती है। इसके बाद होता है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कि जो इतना कठोर होगी दूसरी मेटल को काट सके या दूसरे पदार्थ को काट सके। तो जो हमारा सबसे हार्ड मेटल होता है वो हमारा जो टाइटेनियम रहता है, टाइटेनियम जो होता है ये सबसे हार्ड मेटल होता है। लेकिन अगर हम अधातु में बात करेंगे तो हमारा जो डायमंड होता है दोस्त, डायमंड सबसे हार्ड पदार्थ होता है, ये अधातु होता है, डायमंड मेटल नहीं होता है। तो दोस्त दो क्वेश्चन में आपको इधर बता देता हूँ कि सबसे हार्ड पदार्थ, सबसे हार्ड पदार्थ में एक होता है धातु, एक होता है धातु और एक होता है अधातु। तो जो धातु में हमारा जो रहता है, धातु में रहता है टाइटेनियम, टाइटेनियम ठीक है, और टंगस्टन, टंगस्टन भी रहता है, टाइटेनियम रहता है। और अधातु में जो होता है इसे बोलते हैं डायमंड। जो हमारा सबसे हार्ड अधातु होता है इसे डायमंड कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है अगर पदार्थ की बात कहा जाए कि सबसे हार्ड पदार्थ क्या है तो आप इसका आंसर लगाएंगे डायमंड। यदि पदार्थ वाली बात की जाती है तो आप आंसर लगाएंगे डायमंड, और यदि हार्ड धातु की बात की जाती है तो आप इसका आंसर लगाएंगे, आंसर इसका आप टंगस्टन लगा सकते हैं। टंगस्टन के बाद आप इसका टाइटेनियम आंसर लगा सकते हैं। सबसे हार्ड जो धातु होती है वो टंगस्टन धातु होती है, टंगस्टन आपको याद रखना है। तो हार्डनेस हो गया। इसके बाद होता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है कि इसके ऊपर यदि हम चोट लगाएं, किसी धातु के ऊपर यदि चोट लगाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट जाती है। तो इसमें भी दोस्त दो क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रिटलनेस जो होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है? तो ब्रिटलनेस में ये भी एक धातु रहता है, एक अधातु रहता है। तो दो जो धातु में ब्रिटल होता है हमारा वो होता है कास्ट आयरन Ci, और जो अधातु में हमारा ब्रिटलनेस होता है, अधातु जो रहता है, अधातु में हमारा ब्रिटलनेस होता है कांच। जो हमारा कांच होता है, कांच सबसे ब्रिटल अधातु होता है या पदार्थ होता है। तो अगर पदार्थ की बात करी जाएगी तो हम इसका कांच आंसर लगाएंगे, और धातु की बात करी जाएगी तो इसका हम आंसर लगाएंगे Ci, कास्ट आयरन। Ci का फुल फॉर्म दोस्त कास्ट आयरन होता है। इसके बाद होता है टफनेस। टफनेस जो होता है दोस्त, टफनेस को आपको समझना पड़ेगा। टफनेस, टफनेस का मतलब होता है जिसको हम ट्विस्ट करें और मरोड़ें तो वो टूटे ना, उसे हम टफनेस कहते हैं। इसका टेनासिटी होता है। टेनासिटी वो होता है जो खिंचाव शक्ति को सहन कर सकता है। टेनासिटी खिंचाव शक्ति रॉट आयरन में सबसे अधिक होती है टेनासिटी। इसके बाद होता है फटिग रेजिस्टेंस। फटिग रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो झटकों को सहन कर सके। तो इस प्रकार से इसमें कोई ना कोई काम हो रहा है। तो आप इनके अभी अभी नाम याद रखेंगे, मैं कल के वीडियो में इसको चित्र सहित आपको बताऊँगा कि इसमें इलास्टिसिटी कैसे होती है। मैं चित्र से आपको दिखाऊंगा किस तरीके से फैलाया जाता है। तो आज हम इसका केवल नाम याद करते हैं। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस, टेनासिटी और फटिंग रेजिस्टेंस। इसके बाद मेटल की तीसरी परिभाषा के ऊपर हम पहुँच जाते हैं। तीसरा इसका परिभाषा है ये तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में दो या तीन इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कक्षा जिसकी बाहरी कक्षा में दो या तीन इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उसे हम मेटल कहते हैं। जैसे इसे हम कैसे बता सकते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन नीचे लिखा है कि एल्यूमिनियम जो होता है दोस्त, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, एल्यूमिनियम Al होता है, इसका सिंबल Al होता है, और इसका एटॉमिक नंबर जो 13 होता है। तो इस 13 में हम इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इसकी तीन कक्षाएं होती हैं, इसकी तीन कक्षाएं रहती हैं। इसकी पहली कक्षा रहेगी, एक फिर इसके बाद बाहरी कक्षा रहेगी, और एक सबसे लास्ट कक्षा रहेगी। तो इसकी जो पहली कक्षा रहेगी, इसकी पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसके बाद दो, 13 में से दो माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे 11। 11 के बाद इसमें बाद दूसरी कक्षा में 8 रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसके बाद 8 इसमें से माइनस हो जाएंगे तो बचेगी 3। तो इसकी लास्ट कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसकी जो कक्षा रहती है ये 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इस पर माइनस रहता है इलेक्ट्रॉन पर। लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जो रहते हैं, इसमें जो है ये अधूरी कक्षा है, ये भरी हुई नहीं है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए थे लेकिन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में। जैसे मैंने इधर भी दिखाया गया है 2 और 8 और 3, जैसे दिखाया गया है इधर पहले नंबर पे 2 दिया है और दूसरे नंबर पे इसमें 8 दिया है और तीसरे नंबर पे इधर 3 दिया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें चार्ज आएगा, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन का अपने अंदर से प्रसार कर सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का संचार हो सकता है। इसीलिए यह विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इसमें दो
या तीन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दान दे सके। अर्थात जब ये दान दे देता है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे हम इसको यदि ये अपने तीन इलेक्ट्रॉन पूरा दे देगा तो इसका हो जाएगा Al3+। अर्थात इसने हमने अपने अंदर के तीन इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो तीन इलेक्ट्रॉन देगा या दो इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम मेटल कह सकते हैं। तो ये मेटल की परिभाषा हो जाती है। इसका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं, वह पदार्थ जिसमें विशेष आवाज आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष आवाज। ये विशेष आवाज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई मेटल का ये पीस है, इसको हम हथौड़ी से चोट लगाएंगे तो इसमें टन टन की आवाज आएगी, लेकिन लकड़ी और पत्थर पर हम चोट लगाएंगे तो आवाज उतनी अधिक अर्थात ना के बराबर आएगी हथौड़े से चोट लगाएंगे तो ये आवाज वाला क्वेश्चन एक बार टेक्निकली एग्जाम में आ चुका है। जिस प्रकार से मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि मंदिर के घंटे की आवाज, जो मेटल से हमारा जो मंदिर का घंटा होता है ये कांसे का बनाया जाता है। जो कांसा होता है हमारा मेटल होता है, स्टील के बर्तन होते हैं, जो भगवाने होते हैं स्टील के बर्तन होते हैं, इसमें भी हमारी आवाज़ आती है। आपके घर पे सबके घर पे बर्तन है, आप बर्तन में जैसे ही थोड़ी सी चोट लग जाती है स्टील के बर्तन में, भगोनी में, तो आवाज़ आने लगती है। आवाज़ क्यों आती है? तो हम ये कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें एक विशेष आवाज़ आती है, तेज आवाज़ आती है, उसी उस पदार्थ को हम मेटल कहते हैं। अर्थात तो उसमें आवाज़ नहीं आती है तो हम उसको मेटल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बारीक आवाज़ तो अधातु में भी आ सकती है, थोड़ी जो बारीक आवाज़ होती है। तो पदार्थ अर्थात हम मेटल को ये कह सकते हैं कि मेटल एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें एक विशेष तरीके की तेज आवाज़ आती है। तो आवाज़ से हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी कैसी आवाज़ होती है? तो दोस्त ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा, जो हार्ड मेटल होता है, जिस मेटल की हार्डनेस सबसे अधिक होती है, मेटल जो होता है, अगर मेटल की हार्डनेस सबसे अधिक है तो उसकी आवाज एकदम तेज आएगी, तीखी पतली आवाज होगी। हार्ड मेटल अगर होगा, अगर मेटल हार्ड है तो इसकी जो आवाज़ आएगी वो आएगी शार्प। शार्प का मतलब होता है जिसका पिच कम होता है, अर्थात पतली आवाज़ होती है। यदि मेटल सॉफ्ट है, यदि मेटल सॉफ्ट है तो इसकी आवाज़ जो आएगी वो डल आवाज़ आएगी। डल आवाज़ का मतलब होता है मोटी आवाज़ आती है, और हार्ड मेटल की आवाज़ शार्प आती है। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन मैंने यहीं बता दिया है। इसके बाद है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। इसको नोट में मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, वो नोट भी हमें समझना पड़ेगा। नोट में ये लिखा गया है, ये आप भी पढ़ लीजिए हमारे साथ, कि और यदि जिसमें ये गुण ना हो उन्हें क्या कहते हैं। जैसे मैंने ये सारे गुण बताए हैं, भौतिक गुण बताए हैं मैंने, रंग, चालकता, चुंबकीयता, भार, ये बताया है मैंने। यांत्रिक गुण में बताया है इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस बताया है। एक मैंने आवाज़ का बताया है, और एक बाहरी कक्षा में दो या तीन इलेक्ट्रॉन का बताया। यदि ये गुण कोई चीज़ फॉलो ना करे, यदि कोई पदार्थ है और वो पदार्थ इन गुणों को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? तो जो पदार्थ इन गुणों को फॉलो नहीं करता है दोस्त, उसको हम अधातु कहते हैं। उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं दोस्त? उस पदार्थ को हम अधातु कहते हैं। तो पदार्थ दो प्रकार का होता है, और पदार्थ को दोस्त हम द्रव्य भी कहते हैं। पदार्थ को हम चाहें तो द्रव्य भी कह सकते हैं। द्रव्य जो होती है उसकी तीन अवस्थाएँ होती हैं, द्रव्य की तीन अवस्थाएँ होती हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। हम चाहें तो पदार्थ भी कह सकते हैं, और हम चाहें तो द्रव्य भी कह सकते हैं। और पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, एक होता है धातु और एक होता है अधातु। जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं उसे हम धातु कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने जो पढ़ा है उसके हमें क्वेश्चन करना है। आप भी हमारे साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपका भी इसमें थोड़ा सा पता चलेगा कि आपको दोस्त क्या समझ में आया है कि क्या समझ में नहीं आया है, तो इसलिए हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में धातु पहचान, जो हमने आपको आज समझाया इस सेशन में कि हम धातु को कैसे पहचानेंगे, तो हमें इसमें धातु पहचानना है। हमने धातु को बताया है कि उसमें रंग होता है, चालकता होती है, चुंबकीयता होती है, यांत्रिक गुण, भौतिक गुण, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे दोस्त दिया है गोल्ड, ये गोल्ड है, हमें अधातु पहचानना है। ये अधातु क्या होता है? अधातु पहचानना है। तो गोल्ड जो होता है दोस्त, सबको मालूम है कि गोल्ड एक प्रकार का चमकदार मेटल होता है, उसमें चमक रहती है, उसको हम पीट के मेलेबिलिटी भी रहती है, उसके हम तार भी बना सकते हैं, उसमें एक विद्युत की चालकता भी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि 100% हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो गोल्ड है वो 100% धातु है।
इसलिए ये धातु अधातु नहीं है, इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर गलत हो गया। दूसरा चांदी लिखा गया है, तो चांदी में भी आपको जानते हैं कि चांदी में कलर होता है, सफ़ेद रंग का होता है, ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। हमारा चांदी जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। और दोस्त हमने अभी बताया था कि जो पदार्थ गुड कंडक्टर होता है वो धातु होता है, अधातु नहीं होता है, इसलिए हमारा दूसरा आंसर भी क्या हो गया, गलत। इसके बाद है प्लेटिनम, तो दोस्त प्लेटिनम के भी आजकल आभूषण आने लगे हैं। प्लेटिनम जो होता है वो भी अच्छा एकदम सफ़ेद कलर का होता है और इसके भी आभूषण बनाए जाते हैं। वो आभूषण बनाए जाते हैं तो उसके तार जरूर बनाए जाते होंगे, क्योंकि आभूषणों में तार का उपयोग होता है और मेलिबिलिटी उसके अंदर जरूर होगी, चमक होगी, तो इसलिए इसका आभूषण। तो दोस्त ये भी धातु हो गया। इसके बाद है डायमंड, जो डायमंड होता है तो डायमंड में आपको मालूम है चमक तो होती है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, चमक तो होती है लेकिन ये विद्युत का कुचालक होता है, इसमें मेलेबिलिटी नहीं होती, इसमें डक्टिलिटी नहीं होती, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डायमंड। डायमंड एक धातु होता है, लेकिन एक क्वेश्चन डायमंड का जरूर आप ध्यान रखेंगे कि सबसे हार्ड पदार्थ क्या होता है, वो डायमंड होता है, इसे हम हीरा के नाम से जानते हैं। डायमंड जो होता है इसे हम हीरा कहते हैं, तो हीरा भी आप ध्यान रख सकते हो, इसलिए दोस्त आपने भी सही आंसर लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जिस पदार्थ में चिंगारी निकले उसे क्या कहते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन कि एक चमक आती है, घिसने पर एक चमक आती है, तो चिंगारी का मतलब भी होता है कि इसमें एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल रहा है। चिंगारी निकल रही मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा, तो चिंगारी हमारी धातु में निकलती है, तो इसमें पहले ही ऑप्शन में ही दिया है मेटल, तो मेटल की जब हम घिसाई करते हैं तो चिंगारी निकलती है। नॉन मेटल में कोई चिंगारी नहीं निकलती है। पदार्थ में हम पदार्थ को हम कह नहीं सकते हैं कि वो पदार्थ मेटल है कि नॉन मेटल है, तो पदार्थ हम घिस रहे हैं तो कैसे मालूम पड़ेगा, जब उसमें चिंगारी आएगी तभी हम उसको मेटल कहेंगे, सभी इसका हो नहीं सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटल। किस पदार्थ को घिसने में चिंगारी आती है, मेटल को घिसने से चिंगारी आती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का यांत्रिक गुण पहचानो। अभी अभी मैंने इसी सेशन में आपको बताया था कि यांत्रिक गुण वो गुण होता है जिसमें हमें कुछ ना कुछ करना पड़े, तो यांत्रिक गुण हम देख लेते हैं, यांत्रिक गुण क्या होता है। सबसे पहले नंबर पर दिया है प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी में दोस्त जो मिट्टी होती है या जो हमारी छेनी होती है, उस छेनी को हम क्या करते हैं, आगे वाले हिस्से को लाल गर्म करते हैं और लाल गर्म करके निहारी पर पीटते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा ये यांत्रिक गुण का आंसर हो जाएगा। फ्यूजिबिलिटी, फ्यूजिबिलिटी में जो होता है हम प्रॉपर्टी नहीं करते हैं, इसको हम ओनली रखकर गर्म करते हैं, इसमें कोई ठोक पीट या कोई भी बेंडिंग फेंडिंग हम नहीं करते हैं, इसलिए फ्यूजिबिलिटी जो होगा वो भौतिक गुण हो जाएगा, इसे हम गलनीयता कहते हैं। मैग्नेटिविटी, चुंबक होगा, हमें इसमें कोई काम नहीं करना, बस चुंबक में चिपकाना, इसलिए ये भी भौतिक गुण हो जाएगा। कंडक्टिविटी होता है, वो चालकता होती है, चालकता में भी हमें इसमें किसी हीट को या इलेक्ट्रॉन्स को देना है, इसमें हमें कोई भी टूल वाला काम नहीं करना है, इसलिए दोस्त हमारा पहला आंसर हो जाएगा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में हम हैमर से चोट लगाते हैं, गर्म करते हैं, हैमर चोट लगाते हैं, इसलिए हैमर वाला जो काम होता है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी या मैकेनिकल ट्रेड के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार से मैकेनिकल हमारी ट्रेड होती है, जिसमें टूल के द्वारा हम काम करते हैं, हमारी फिटर ट्रेड एक मैकेनिकल ट्रेड के नाम से जानी जाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड मेटल में किस प्रकार का साउंड आता है। हमने अभी इसी पिछले से अभी भी हम बताते जा रहे हैं कि हार्ड मेटल में जो होता है वो शार्प साउंड आता है, एकदम तीखी आवाज़ आती है, तो हार्ड जो मेटल होता है वो शार्प साउंड आता है, इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड डल साउंड लिखा है, डल साउंड हमारा सॉफ्ट मेटल में आता है, इसलिए गलत हो गया। मीडियम साउंड हम कुछ कह नहीं सकते, मीडियम साउंड किस में आएगा, इससे सभी तरह की साउंड नहीं आती है, तो हमारा फर्स्ट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि ध्वनि का सबसे अच्छा चालक है। अभी अभी मैंने बताया था कि जो ताप का सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है कॉपर, और ताप का के साथ यदि कहा जाए कि ताप प्लस इलेक्ट्रिसिटी, ताप प्लस इलेक्ट्रिसिटी, तो दोस्त इसका आंसर भी इलेक्ट्रिसिटी, ताप प्लस इलेक्ट्रिसिटी, तो भी आप इसका आंसर कॉपर ही लगाएंगे। यदि केवल ओनली वन इलेक्ट्रिसिटी दिया है, यदि ओनली वन इलेक्ट्रिसिटी दिया है, तो हम इसका आंसर लगाएंगे चांदी। दोस्त इसका आंसर हम लगाएंगे चांदी, ओनली इलेक्ट्रिसिटी दिया है तो इसका आंसर लगाएंगे हम, इसका आंसर चांदी लगाएंगे। चांदी का सूत्र होता है Ag सिल्वर। तो दोस्त ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा। अब इसमें पूछा है ध्वनि का सबसे अच्छा चालक, ये ध्वनि का अच्छा चालक बताना है कि ध्वनि का चालक क्या होता है। तो दोस्तों जो ध्वनि का चालक होता है वो स्टील सबसे अच्छा ध्वनि का चालक होता है, यानी कि आवाज़ जो होती है वो माइल्ड स्टील में सबसे अधिक तीव्र गति से आवाज़ जा सकती है, मेटल होता है, स्टील होता है। तो दोस्त ये कई बार एग्जाम में तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं, कॉपर वाला क्वेश्चन आ चुका, ताप का सबसे अच्छा चालक कॉपर होता है, ताप एवं बिजली का सबसे अच्छा चालक भी कॉपर होता है, केवल ओनली वन क्वेश्चन हो बिजली का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, ध्वनि का सबसे अच्छा चालक हमारा माइल्ड स्टील या स्टील होता है। तो दोस्त ये रहा हमारा आज का सेशन। यदि आपको हमारा वीडियो कुछ हेल्पफुल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को दबाएँ, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करें
आपके पास तुरंत ही घंटी की आवाज़ के साथ अवेलेबल हो। यदि दोस्त और हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट्स में किसी भी प्रॉब्लम को ज़रूर लिखें। ओके, बाय बाय, जय भारत।